सो सीपीटी पास करने के बाद शायद पहली ही क्लास होगी आपकी, है ना? और कोई सब्जेक्ट तो भी आपका शुरू नहीं हुआ है। ऑन है? चलिए, तो आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर फोर असाइनमेंट्स आपको सबको मिले हैं। फर्स्ट असाइनमेंट है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए, इन ऑल आईपीसीसी में 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके, करेक्ट? दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ग्रुप 1 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 3 पेपर। इट्स नॉट लाइक सीपीटी जिसमें एक ही दिन में 4 पेपर होते थे या ऑब्जेक्टिव टाइप आता था। आईपीसीसी डिफरेंट है। आईपीसीसी अब एक तरह से वापस ट्रेडिशनल हो गया। एग्जैक्टली देखा जाए तो सीपीटी सीए है ही नहीं। सीपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर दोज हु वांट टू डू सीए, करेक्ट? तो अब सीए आपकी देखा जाए तो प्रैक्टिकली आज से पढ़ाई सीए की आपकी शुरू हो रही है, क्योंकि सीए आईपीसीसी से स्टार्ट होता है, करेक्ट? तो इसमें जैसे मैंने कहा 4 पेपर हैं, चारों सब्जेक्टिव हैं। इसमें आपको टाइम भी मिलता है, पढ़ने के लिए भी टाइम मिलता है। जैसे आपने देखा सीपीटी है, सीपीटी में इंस्टीट्यूट का रूल है कि 2 महीने के गैप के बाद पेपर स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो तो ठीक है, आपने मार्च में रजिस्ट्रेशन किया, जून में हो गया, वैसे भी सिस्टम यही है उनका। लाइक अगर कोई स्टूडेंट सितंबर में भी रजिस्टर करे तो दिसंबर में पेपर दे सकता है। उनकी थिंकिंग है कि 2 महीना सफिशियंट है, बट आईपीसीसी में दे गिव यू 9 मंथ्स टू स्टडी। लाइक बहुत ज्यादा हमें शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हमें सीए पास तो करना ही है, लेकिन हमारा मेन एम क्या है, सीए पास करना या सीए बनना, ये चीज हमेशा याद रखना। ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ पढ़ते वक्त, किसी भी टीचर से आप पढ़ो तो इस कंसेप्ट को कभी मत भूलना कि हमें सीए बनना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रट्टा मार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टकट टेक्निक, ये तो नहीं कहूंगा फर्रे चला के, वो सब तो अब आजकल आउट ऑफ डेट हो गई चीजें, बट लेकिन कैसे भी करके बस अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स तो अच्छे लेने ही हैं, आज हर चीज चाहिए। आप देखो कि आप लोग इन दिनों, आप में से कुछ डोंट माइंड स्ट्रगल कर रहे होंगे कि यार रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, नहीं मिल रहा होगा, और जबकि आपके अच्छे मार्क्स होंगे। जिस दिन रिजल्ट आया होगा उस दिन आपको लगा होगा हमने तो दिल्ली जीत ली, लेकिन अब देख रहे हैं जब कॉलेजेस में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो लग रहा है नहीं नहीं जीती नहीं थी, तो अभी बड़ा कंपटीशन है। आपसे ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चे भी हैं जिनको आपसे बेटर कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया होगा। तो सीए में भी यही है, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे आपसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले में, क्योंकि सीए इज नॉट ए लोकल एग्जामिनेशन। सीए में कोई रोहिणी लेवल या दिल्ली लेवल पे पेपर नहीं हो रहा है। सीए इज लाइक ऑल ओवर इंडिया, एक से एक स्टूडेंट है, एक से एक टीचर्स हैं। अब मैं हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं क्या नहीं चाहूंगा कि आप लोगों के 90% से ऊपर आए, 95 आए, 99 आए मेरे सब्जेक्ट में, लेकिन और जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो कंपटीशन ज्यादा है, तो डरने का कुछ नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब हो ही जाता है। सीपीटी में भी हुआ और आईपीसीसी में तो हमारे पास जैसे मैंने कहा बहुत टाइम है, तो हम बहुत प्यार से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। जिस बात पे मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं वो ये कि डे वन से ही आप चीजों को समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि मैंने आपको एक नारा दिया है जिसको मैं 500 बार तो रिपीट कर ही दूंगा आपको, वो ये कि हमें सिर्फ सीए पास नहीं करनी, हमें सीए भी बनना है। अल्टीमेटली सीए करके होगा क्या? सीए करके आपको या तो कहीं प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ क्लाइंट्स की फाइल डील करनी होगी, या किसी बड़ी कंपनी में आप मैनेजर फाइनेंस, डायरेक्टर फाइनेंस लगोगे। मीन्स अल्टीमेटली हमें रियल लाइफ में उसको करना। लाइक मैं आपको यहां पर खड़े होकर स्विमिंग सिखाऊं, तो जब तक आप एक्चुअल वाटर में डिप नहीं करोगे तब तक आप स्विमिंग नहीं कर सकते। मैं आपको यहां पर कार ड्राइविंग सिखाऊं, जब तक आप कार के स्टेयरिंग पे नहीं बैठोगे कार ड्राइव नहीं कर सकते। सिमिलरली टैक्सेशन इज सच ए सब्जेक्ट विच हैज ए रियल प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सब्जेक्ट विथ एनी सब्जेक्ट, बट आप ये देखिएगा कि टैक्सेशन इज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, आई एम क्लेमिंग, यू जज योर सेल्फ, आज जज करिए या कल जज करिए या सीए बनने के बाद करिए, टैक्सेशन इज योर नंबर वन पेपर। क्योंकि अकाउंटेंसी आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, अभी आप पढ़ रहे हैं, आगे भी आप देखेंगे कि अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो होते हैं कुछ समझने वाली चीज, बाकी अकाउंटिंग तो मोर और लेस आजकल ना लोअर लेवल पे होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग नहीं करते आगे जाके, वो जूनियर कर लेते हैं, टैली है, सॉफ्टवेयर है। लाइक अकाउंटिंग इज नॉट ए बिग डील। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उनके बेसिस पे जो आगे मर्जर, अमलगमेशन, कुछ टॉपिक्स हैं अकाउंटेंसी में, वो फिर हायर लेवल की चीजें आ जाती है। बट लाइक टैक्सेशन इज सच ए फील्ड विच टचेस एवरी पर्सन। मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस कंपनी का ब्रांड लोगो है, बट है ना लाइक कनेक्टिंग पीपल, वो तो नोकिया बोलते हैं, एक होता है लाइक टचिंग एवरी हार्ट या टचिंग एवरी पर्सन। तो आज हर बंदा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो,
अगर वो कुछ भी कमा रहा है थोड़ा ढंग का, तो उसको एक सीए को टच करना होता है। जानते हैं क्यों? क्यों टच करना होता है सीए को? टैक्स पे करने के लिए। क्योंकि अगर आप कंट्री में रह रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने के लिए आपने शायद सुना होगा, आजकल डेट भी आई हुई है, 31 जुलाई आने वाली है डेट ऑफ रिटर्न, तो एक रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फाइल करनी पड़ती है, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन। वो बात अलग है, जिनकी लो इनकम्स हैं गवर्नमेंट उनसे रिटर्न नहीं भरवाती है, सोच के कि कोई फायदा तो है नहीं। इट्स नॉट लाइक फॉर एवरी वन, वी विल स्टडी इट। आज ही आपको काफी नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी प्रैक्टिकल, हर किसी को भी नहीं भरनी होती। हाँ, लेकिन एक लो इनकम से थोड़ा सा ऊपर जाते ही फिर शुरू हो जाता टैक्सेशन। तो हर बंदे को अगर कहीं सीए की जरूरत है, ठीक है, तो वो किस चीज में जरूरत है? वो जरूरत है टैक्सेशन में। अरे बस उनमें, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप टैक्सेशन के सब्जेक्ट को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मत लीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड तो मैं पढ़ाता ही हूं, दैट इज माय नेचर, क्योंकि अल्टीमेटली यू कैन से आज आपको बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन आपके मार्क्स नहीं आए, तो कोई भी ये सोच सकता है कि आपको कुछ नहीं आता, या मेरे बारे में भी फिर सोचेगा कि आपका टीचर भी बेकार था, आपने कहां पढ़ लिया, आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि हमारे को हमारे मार्क्स ही डिसाइड करते हैं कि भी बंदा कितना इंटेलिजेंट है, कितना इसको आता है नहीं आता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड तो हम लेंगे ही चीजें, जो आज तक एग्जाम्स में आया है, जो पैटर्न है, वो सब हम स्टडी करेंगे, लेकिन हम सिर्फ वही स्टडी नहीं करेंगे जो एग्जाम में आता है, राइट? हम उन चीजों को प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। लाइक ये फाउंडेशन है। एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा, जब आप स्कूल के डेज में थे तब शायद आपको इंग्लिश के अंदर किसी ने, जब इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा तब शायद आपको किसी ने समझाया होगा ये वर्ब होता है, ये एडवर्ब होता है, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। आप तो लोग खैर दिल्ली में रहते हो, आपको इतनी दिक्कत नहीं महसूस होती होगी, लेकिन जो दिल्ली से बाहर जब हम जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो प्रॉपर नहीं होती, आपने शायद कभी महसूस किया होगा। तो जो मैं पॉइंट यहां पर इस एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं वो ये कि एक एज होती है हर चीज को समझने और समझाने की। आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, थोड़ा उधर से आप शिफ्ट हो जाइए, आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये अब कोई नहीं सिखाने वाला। आपको भी सीखने में अजीब लगेगा, बात समझ गए, और सिखाने वाले को भी अजीब लगेगा। ऐसे मैं आपको जो टैक्सेशन पढ़ा रहा हूं, इट्स लाइक 11th में जैसे किसी ने आपको अकाउंट्स पढ़ाया, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, छोटी 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 बातें। अब आप सीए लेवल पे आ गए हो, 3 बार अकाउंट्स पढ़ चुके, 11th में, 12th में, सीपीटी में, बताने को अभी भी टीचर बताएंगे आपको अकाउंट्स वाले, लेकिन अगर आज आप समझो कि डेबिट की एंट्री समझाओ तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। टीचर एक बार आपकी तरफ ध्यान से जरूर देखेगा, ये बच्चा वो पॉइंट पूछ रहा है जो 11th लेवल का था, और कई बार आप शायद वो 11th लेवल का डाउट पूछोगे ही नहीं, आपको अंदर से शाय फील होगा जब आप क्लास में होते हो। आफ्टर ऑल इन एनी क्लास, वेदर इट्स अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स और 500 स्टूडेंट, अल्टीमेटली आप क्लास में होते हो तब आप ऑकवर्ड फील करते हो उन क्वेश्चंस को पूछना जो आपके लेवल के नहीं रहे, राइट? सिमिलरली आज मैं आपको टैक्सेशन क्या पढ़ा रहा हूं, एक तरह से 11th में चले गए हम, टैक्सेशन जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं। आप में से किसी ने आज से पहले इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, मैं आपको सबसे पहली बार इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको यह भी समझना है कि हमने टैक्सेशन को फिर बिल्कुल अच्छे से समझना है। आज आप मेरे से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछिए, 10 बार पूछिए, अजीब नहीं लगेगा, रादर शायद अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो बाकी स्टूडेंट्स मन में अप्रिशिएट करेंगे, हाँ ये पॉइंट था, इसने पूछा, मैंने नहीं पूछा। यही चीज अगर आप इंटर क्रॉस करके, फाइनल क्रॉस करके, शायद सीए बनने के बाद अपनी फर्म में किसी और से पूछोगे, कंपनी में पूछोगे, तो शायद उनको अजीब सा लगेगा, भैया सीए बन के आया तो क्या करके आया। ऑब्वियसली बात है ना, जब हम डिग्री ले लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो नॉलेज लेवल है, एक्सपीरियंस लेवल है, वो भी तो अज्यूम किया जाता है कि आपको मिल गया होगा, बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, फील फ्री, कितना भी बोल लूं ये मेरा एक्सपीरियंस है, फिर भी बच्चे फील फ्री नहीं करते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो उन सारे स्टूडेंट्स है जिनको ये प्रॉब्लम है कि नहीं पूछना जी, हम तो, हमें तो ऑकवर्ड लगता है, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि मेरी जो क्लासेस होंगी उसमें मैं पूरा हाफ एन आवर का ब्रेक दूंगा। हाफ एन आवर के ब्रेक के 2 लॉजिक हैं, एक तो ये भी कि आप सुबेरे सुबेरे आए, हो सकते हैं ब्रेकफास्ट ठीक से ना किया हो या जो भी प्रॉब्लम हो, तो आपको आधे घंटा बीच में मैं दे रहा हूं ब्रेक क्लास के, सो दैट आप इजीली अपना ब्रेकफास्ट कर सकें। अगर घर से नहीं लाए तो फिलहाल तो मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया है नीचे, बट फिर 1-2 दिनों में हम कुछ डेवलप कर सकते हैं, किसी को चाय कॉफी कुछ आपको बना के दे दे, या कुछ अगर चाहिए तो वो हम बातें कर सकते हैं 1-2 क्लासेस के बाद। और दूसरा ये भी लॉजिक है कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, 1.5 घंटे का मेरा सेशन हुआ करेगा, आज मैंने क्लास लेट शुरू की है, आप लोग क्या बिलीव करते हैं, ऑनेस्टली बताएं, इस चीज को भी आज ही फाइनल कर लें, पंचुअलिटी में बिलीव करते हैं ऑनेस्टली?
क्योंकि मैं बिल्कुल नजदीक ही रहता हूँ सेक्टर 9 में, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट द क्लास एट 7:30 शार्प, मुझे पसंद है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसको लेट कर सकता हूँ, आप लोग बता दीजिएगा, मैं एक बार क्लास में जाते वक्त फिर से आपसे पूछ लूँ नेक्स्ट क्लास कितने में शुरू करनी है। आज मैंने जानबूझ के लेट शुरू की क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स शायद नए भी हैं जो पहले एनजीपीए में नहीं पढ़ रहे थे, तो उनको ढूंढने में कई बार दिक्कत आती है लोकेशन, तो इसलिए हमने क्लास लेट शुरू की है कि चलो अलाउ देम। मैं चाहूंगा क्लास टाइम से शुरू हो ताकि टाइम से फिर खत्म भी हो, टाइम से ब्रेक हो, हर चीज एक डिसिप्लिन में रहे, प्रोफेशनल डिसिप्लिन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हम कर लेंगे, बाकी अदरवाइज हम डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाना शुरू करने से पहले एक भी लाइन, एक भी वर्ड अगर क्लियर नहीं है तो पूछो, या तो तुरंत पूछो या ब्रेक में पूछो, पूछो, करेक्ट। असाइनमेंट पे मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली हाँ मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी दिया है, ऑब्वियसली मैं क्लास में तो मोबाइल नहीं लाया हूं, लेकिन उसमें मैंने लिखा है SMS ओनली। उसका रीजन क्या है कि माना कई बार होता है कि हम बिजी होते हैं तो अनरिकॉर्डेड नंबर्स को नहीं उठा पाते, तो आप कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि सर ने नंबर किस लिए दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इस पर लिख दिया SMS ओनली। हाँ, ये मेरी प्रॉमिस है, अगर आप SMS कर रहे हैं मेरे को 100% आई विल कॉल यू बैक एज सून एज आई एम फ्री। एक ही मोबाइल है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि भाई मल्टीपल मोबाइल्स हैं, कोई एक ऐसा नंबर दे दिया जो उठाना ही नहीं है, दिस इज माई पर्सनल मोबाइल ऑनेस्टली, बट इसमें आप SMS करिए देन आई विल कॉल यू बैक माई सेल्फ। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज को आपने समझना है, हर वर्ड हर चीज को समझना है, बस ये एक असूल बना लीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो कवर ही है। जैसे सपोज अगर मैं आपको 1000 रुपए का नोट दूं, अगर मैं आपको 1000 रुपए का नोट दूं तो उसमें 100 रुपए का, 50 रुपए का, 500 रुपए का नोट तो इंक्लूड ही हो गया ना एक तरह से, बात समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप नॉलेज के एंगल से स्टडी करते हैं इनकम टैक्स को, तो एग्जाम ओरिएंटेड तो कवर हो ही गया ना, जिसको नॉलेज होगी वो तो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स ले ही लेगा ना, क्योंकि उसके अंदर अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट भी किया तो भी उसको घबराहट नहीं होगी, ही कैन एनीवे कवर इट, क्लियर है। तो विद दिस इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट, यहां तक कुछ बोलना है, कोई कमेंट्स नहीं, शुरू करें। चलिए असाइनमेंट्स के ऊपर हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले मैं इस असाइनमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो असाइनमेंट मैंने प्रिपेयर किया है, दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्शन। मैंने पूरा इनकम टैक्स का सिलेबस इसमें ब्रीफ कर दिया है, जस्ट दो लेक्चर हम इस चीज पर कवर करेंगे, एक आज का लेक्चर और एक सैटरडे का लेक्चर। दो दिन का लेक्चर हम कवर करने के बाद समझ जाएंगे कि इनकम टैक्स बेसिकली है क्या, लेकिन फिर वही बात है कि आपको समझना है ना। अब जहां तक पेपर का सवाल है, हो सकता है आपकी नॉलेज में हो नहीं हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका टैक्सेशन का पेपर है, पेपर 4, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। जो आपका टैक्सेशन का पेपर है, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज इनकम टैक्स एंड द अदर पार्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दो पार्ट्स किए हुए हैं। दिस इनकम टैक्स इज ऑफ 50 मार्क्स एंड दिस इनडायरेक्ट टैक्स इज अगेन 2 पार्ट्स, सर्विस टैक्स 25 मार्क्स एंड वैट इज 25 मार्क्स। सो योर पेपर इज डिवाइडेड इन टू बेसिकली 3 पार्ट्स इन ए वे, अदरवाइज 2 पार्ट्स। दिस इज डायरेक्ट टैक्सेशन इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनकम टैक्स में से 50 मार्क्स का आएगा और सर्विस टैक्स वैट पे 25 मार्क्स ईच पूछा जाएगा, ठीक है। आपके जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 में, अकाउंट्स एंड कॉस्ट FM, दे आर प्रैक्टिकल, मीन्स इन द सेंस उसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, थियोरी कम आती है, ऑलमोस्ट नहीं। जो चौथा पेपर है, फोर्थ पेपर, दैट इज लॉ, इथिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो पूरा थियोरी है। टैक्स इज ए कॉम्बिनेशन, टैक्स में मान के चलिए करीब आधा प्रैक्टिकल है, आधा थियोरी है। वो बात अलग है, जो इसमें थियोरी भी होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही होती है, करेक्ट, लेकिन फिर भी थियोरी थियोरी होती है, मीन्स क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, एक प्रैक्टिकल है जिसको सॉल्व करना है। तो टैक्सेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थियोरी एंड प्रैक्टिकल। तो जो मैंने असाइनमेंट दिया है, अभी हम देखेंगे उस असाइनमेंट को भी, उसमें भी क्वेश्चन